देश भर में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय दलों के स्टार प्रचारक भी ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। रविवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे और रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने भाजपा और मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी, काले धन, तमाम बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर सेना का सहारा ले रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भाजपा की नींव रखी, आज उन लोगों को पार्टी से नजरअंदाज किया जा रहा है। झूठे निकले, भाजपा पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ा जाएगा रोजी रोटी के मुद्दों पर, नौजवान, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर भाजपा को जवाब नहीं देने के लिए। प्रीतम सिंह जी, प्रीतम जी चुनाव जीत कर जाएंगे, साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में मुझे लगता है बदलाव की लहर है। समूचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमने भाजपा को हराया है और आज पूरे भारतवर्ष में लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। 23 मई को एक नई सरकार का निर्माण हुआ, एक नई प्रधानमंत्री हमारे बीच में आएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जनता के साथ जो कहा वो किया नहीं है। ना रोजगार मिल पाया है, ना किसानों की मदद हो पाई है, इन सब वादों का वादा